YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। हरियाणा के कई और शहरों को सौगात मिलने वाली है और इसी के तहत आपको बता दें कि 3 जिलों का चुनाव किया गया है। पहले हरियाणा के सिर्फ 5 जिलों में 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब 3 और जिलों के गांव और शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि पहले सिर्फ अंबाला, पंचकुला, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब जिन 3 जिलों को बिजली दी जाएगी उनमें यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला शामिल है। इसके साथ ही एक और जिला भी है जिसका आकलन अभी किया जा रहा है, यानी अब एक तिहाई ग्रामीण क्षेत्र को शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। तो यहां पर हरियाणा सरकार का जनता को एक बड़ा तोहफा, 24 घंटे बिजली दी जाएगी, जिसके लिए 3 और जिलों को चुना गया है, जिसमें 2 जिले तो अभी फाइनल हो गए हैं, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर है जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन अभी एक और जिले का अभी चुनाव होना बाकी है, आकलन किया जा रहा है। तो 3 और जिलों में जहां पर उनके गाँव तक भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी, हरियाणा सरकार की ओर से जनता को ये एक बड़ा फैसला। तो आज इसी के ऊपर बड़े सवाल क्या हैं ये आपको बता देते हैं। हरियाणा में एक तिहाई गांव में बिजली पहुंचने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें, हरियाणा के एक तिहाई गांव में बिजली पहुंचेगी, ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की ओर से। और क्या सूबे की प्रगति से आप खुश हैं, ये आज का बड़ा सवाल आपके लिए है। क्या सूबे की प्रगति से आप खुश हैं, क्या आपके जीवन में भी बदलाव आ रहा है, ये आज का बड़ा सवाल है आपके सामने। आपके शहर में बिजली के क्या हाल है, ये सबसे बड़ा सवाल आपके लिए कि बिजली के क्या हाल हैं। देश की आवाज़ के इस कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपने घर के, अपने आसपास के बिजली के हाल को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के एक तिहाई गाँव में बिजली पहुँचेगी, ये हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। और क्या सूबे की प्रगति से आप खुश हैं, क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार का ये फैसला अच्छा है, और क्या इस फैसले पर कितनी खरी उतर पाएगी बीजेपी, ये आपको अपनी राय साझा करनी है इस कार्यक्रम में। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के जरिए आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि बिजली एक मूलभूत सुविधा है आप सभी के लिए। और आपके घर में, आपके आसपास बिजली का क्या माहौल है, इसकी राय आप हमारे साथ रख सकते हैं। और बीजेपी कहां और ज्यादा काम करे, ये भी राय आप रख सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि कृष्ण कुमार बेदी ने ये बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि इससे पहले फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य कई जिलों में 24 घंटे बिजली दी जाती थी, तो इसी के साथ 3 और जिलों का चुनाव हुआ है जिसमें यमुनानगर और कुरुक्षेत्र है, और अभी एक और जिले का आकलन चल रहा है जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2017 में भी बीजेपी की ओर से ऐसा ही फैसला लिया गया था, जिसमें यह वायदा किया गया था कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी आने वाले 2 सालों में। और इसी के तहत आपको बता दें कि अंबाला, पंचकुला, सिरसा, गुरुग्राम में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और रोहतक से पहले दर्शक सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, आप बताइए क्या है बिजली का हाल आपके वहां। हेलो जी मैडम, ऐसा है देखो, बदलाव तो क्या आया है, हमारा किसान, व्यापारी, कर्मचारी सब रोड पे है, ये तो बदलाव आया है जी। दूसरा, बिजली की हालत ये है कि 6-6 घंटे तक कट लगते हैं आम शहर के अंदर, ग्रामीण गांव तो कहना ही क्या है कि रात को 12 बजे तक लाइट नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, और असलियत क्या है, क्या बीजेपी की ओर से जो फैसले लिए गए हैं, जो वायदे किए गए हैं, वो पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से ये कहा गया था कि आने वाले 2 सालों में 24 घंटे तक बिजली पहुंचाई जाएगी, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और इसी को देखते हुए अंबाला, पंचकुला, सिरसा और गुरुग्राम में 24 घंटे बिजली मिल भी रही है। इसी के साथ 3 और जिलों का चुनाव किया गया है।
लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र का चुनाव हुआ है, अभी एक जिले का आकलन चल रहा है। तो आपको बता दें कि जब बीजेपी ने सत्ता संभाली थी तो उस वक्त 34% घाटा था बिजली निगम में, और वो घटकर के 20% रह गया है। तो यानी कि ये जो 14% का घाटा कम हुआ है, उसका फायदा ही हरियाणा सरकार जनता को देना चाहती है। कैथल से तुषार, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। मैम, ये सरकार तरह तरह के वादे करती है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, यहाँ पर बिजली की हालत दर बदर बहुत ही नाजुक है, 2-2 घंटे के कट है, और रात को भी 12-12, 1-1 बजे तक लाइट नहीं आती। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जनता जो है सच्चाई बयां करती हुई नजर आ रही है। और भिवानी से अगले दर्शक प्रेम पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी, बिजली के कट लगते रहते, बिजली बिल्कुल नहीं आती थी सर, ये सरकार के कोई प्रबंध नहीं है बिजली का, बार बार में कोई जानपूछ के खराब कर देते हैं, कोई वर्कर नहीं है संभालने वाला, कोई नहीं है जी, बड़ा खराब काम हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जनता लगातार जुड़ रही है, जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी इन नंबरों के जरिए जुड़ सकते हैं, और आपके वहां पर क्या माहौल है बिजली का ये हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि मनोहर सरकार को अभी और थोड़ा टाइट होना होगा, बिजली विभाग में जो भी लापरवाहियां चल रही हैं उसकी ओर ध्यान देना होगा। और यहां पर दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि उनके यहां पर अभी भी बिजली सुचारू रूप से नहीं आ रही है। सिरसा से अगले दर्शक अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जी अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। हाँ मैम जी, ऐसे हम सिरसा पंजवाणा से बोल रहे हैं जी। हमारे यहाँ पे सिर्फ 6 घंटे लाइट आ रही है खेतों की, जो कि हरियाणा में 8 घंटे चल रही है। और पिछले 3 सालों से हमारे को जो अफसर है मुझे ही कह रहे हैं आपको कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, कुछ नहीं करते जी। और कोई सुनवाई नहीं है, कोई अफसरों पे, कोई सारे अफसर बेलगाम चल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये सारे अफसर, कुछ भी नहीं करते। और बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हालांकि सिरसा भी इन 5 जिलों में शामिल है जहां पर ये कहा गया है कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन दर्शक सच्चाई कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इसी के साथ राकेश यमुनानगर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। जी मैडम, यमुनानगर में भी बिजली का बहुत बुरा हाल है, यदि बिजली आकाश में बादल आते हैं तो बिजली चली जाती है जी। और बार बार कंप्लेन करने के बाद भी घंटों को ही ठीक करने के लिए नहीं आता, बिजली विभाग के निठल्ले कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा खासकर यमुनानगर की ग्रामीण जनता भुगत रही है जी, जी। और जहां सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है वहां इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी पूरा नहीं है, तो ऐसे में जो जनता को क्या लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हालांकि यमुनानगर का चुनाव किया गया है 24 घंटे बिजली दिए जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग का ढिलमुल रवैया भी सामने आ रहा है। इसी के साथ रोहतक से कमल अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। कमल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कमल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आज के बड़े सवाल भी लगातार आपको बता रहे हैं, क्या आपके जीवन में बदलाव आया है, आपके वहां पर बिजली का माहौल कैसा है, बिजली कितनी सुचारू व्यवस्था से चल रही है, ये आप बता सकते हैं। इसी के साथ करनाल से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपनी राय रखिए। मंत्री जी, हमारे कर्णदेव कंबोज जी प्रयासों से हमारे गांव में लगातार 24 घंटे बिजली आया। मैं मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि उन्होंने प्रयासों से बहुत बढ़िया गांव में बहुत विकास हुआ जी जी, इंद्रिय हल्के से बहुत अच्छा उन्होंने विकास का कार्य कराया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी को और सरकार को जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर कई लोग जो हैं वो बीजेपी से दुखी भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी जुड़ रहे हैं जो बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है थोड़ी बहुत सफल भी हो रही है, लेकिन अभी कई मोर्चों पर अभी सफलता हासिल करनी बाकी है, क्योंकि सिरसा भी एक ऐसा जिला है जहां पर ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि 24 घंटे वहां पर बिजली पहुंचाई जा रही है, लेकिन सिरसा से एक दर्शक जुड़े थे, उनका कहना ये है कि 8 घंटे ही महज यहां पर बिजली आती है। यमुनानगर से अगले दर्शक लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश जी अपनी राय रखिए।
जी मैडम, यहाँ पर बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी आ जाए, बिजली साथ के साथ गुल हो जाती है जी। और जब किसी अधिकारी से बात की जाती है इस बारे में तो वो उनका कोई जवाब नहीं होता, वो बता भी नहीं पाते कि लाइट कब आएगी, क्या है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से लाइट गई है, तो कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल पाता मैडम। और लाइट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं रही जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनका कहना ये है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनका रवैया जो है वो बहुत ज्यादा ढिलमुल है, बहुत ज्यादा ढीला बर्ताव किया जाता है, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी को नकेल कसनी होगी अगर उन्हें जनता के अंदर अपना विश्वास बनाए रखना है। ऋषिकेश से विनोद, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। जी देखिए मैडम, बीजेपी सरकार जो है लगातार लोगों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अक्सर काम करती है, मगर कहीं ना कहीं जो है इसमें हमें भी संज्ञान लेना पड़ा। देखा जाता है कि अक्सर कहीं लोग जो है बिल भरते हैं, लगातार बिल भरते हैं, उनको सरकार कोई डिबेट नहीं देती, मगर जो लोग चोरी करते हैं उसके बाद उनका बड़ा बिल भर जाता है बन जाता है, उसके बाद जो है सरकार जो है उनको माफ कर देते हैं। ऐसे में जो सरकार को चाहिए जो लोग लगातार बिल भरते हैं उनको कहीं ना कहीं रियायत दे ताकि लोगों को जो अच्छी बिजली मिल सके, और ये सरकार का सराहनीय कदम है और इस तरह के कदम सरकार को समय समय पर उठाने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो पहली बार बिजली विभाग को 115 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जिसमें बिजली चोरों से एक साल में 666 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और 14% का घाटा जो है वो कम हुआ है। इसी के तहत हरियाणा की जनता को मनोहर सरकार एक मनोहर तोहफा देने जा रही है। 3 जिलों का चुनाव हुआ है जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। रोहतक से सुरेश कुमार, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, सरकार बढ़िया काम कर रही है जी, इसमें मतलब हमने कोई दिक्कत नहीं है जी। सरकार से बिजली से थोड़ी कम लग गया पर शांति है, पहले शांति नहीं थी, भाईचारा बिगाड़ दिया था उद्धव साहब ने बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई दर्शक है वो सरकार से खुश भी है, लेकिन कई दर्शक जो है वो सरकार की पोल खोलते हुए नजर भी आ रहे हैं। और अगले दर्शक राहुल राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए राहुल। हाँ जी, मेरी बहन की 7 अप्रैल को फलूद तहसील में रिपोर्ट लिखवाई थी, हत्या कर दी गई थी उनके ससुराल वालों ने। हेलो जी, लेकिन आज का मुद्दा आपको बता दें कि बिजली का मुद्दा है, आपके यहाँ पर बिजली किस तरह से जा रही है तो ये आज का मुद्दा है। तो बड़े सवाल भी आज आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के एक तिहाई लोगों को बिजली मिलेगी, हरियाणा में एक तिहाई गांव में बिजली पहुंचेगी, तो 24 घंटे बिजली पहुंचाने का ये फैसला हरियाणा सरकार की ओर से। कैथल से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए। उदय सिंह है मेरा नाम। कैथल जी, उदय सिंह जी अपनी राय रखिए। मेरी यही राय है जो आपने परसों वीडियो दिखाई थी 5 साल की, तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही प्रार्थना, पहले तो अस्पतालों की बिजली पूरी करे जी। जी नंबर एक। नंबर दो, जो ट्रांसफार्म है गांव में उनमें तेल कम होता है, जिसकी वजह से सड़ जाते हैं जी, पूरा तेल पूरा करे। जब आपने इतना मुनाफा दिखाया अभी चोरी पकड़ने के बाद, गवर्नमेंट के पास इतना मुनाफा है, और जो पुरानी तारे हैं जिम्मेदार फॉल्ट होकर बिजली चली जाती है, मोटर में पानी कम हो जाता है जी, तो बिल्कुल सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। पलवल से अगले दर्शक इलियास हमारे साथ जुड़ गए हैं, इलियास जी अपनी राय रखिए। सर, गाँव की बिजली तो 24 घंटा आ रही है, लेकिन जंगल की बिजली कुल 6 कम आ रही है जी। जी 5-7 घंटा आ रही है जी, उसमें किसान परेशान है, थोड़ी लाइट कम है जी जंगल की। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार किसी न किसी मोर्चे पर विफल जरूर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किसान कहीं ना कहीं परेशान है। यमुनानगर से अगले दर्शक हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश जी अपनी राय रखिए। जी मैडम, यमुनानगर में बिजली की समस्याएं तो काफी है, लेकिन इस सरकार की तरफ से घोषणाएं तो काफी की जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। जी, जी। जो ये 24 घंटे की बिजली देने का वादा कर रही है सरकार, क्या ये 24 घंटे बिजली मिल पाएगी? लेकिन मैडम, मैं ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसके ऊपर एक सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि जो ये अभी कुछ समय पहले जो एक दर्शक आपके यहाँ पर ऋषिकेश से विनोद कुमार देके गया है, अपने बयान दर्ज किया,
ये जो है जो आपने दर्शकों के नाम पे ऊपर जो कार्यक्रम चलाया, इसमें तो आपके कैमरामैन ही एज ए दर्शक के रूप में अपने समस्याएं रख रहे हैं। जी बिल्कुल, मुद्दे की जानकारी नहीं थी कई दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो अगले दर्शक धीरज हमारे से जुड़ गए हैं अंबाला से, अपनी राय रखिए। धीरज जी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जी जी अपनी राय रखिए। जी हमारे गांव में जो जी हमारे गांव में 24 घंटे लाइट आ रही है पिछले एक साल से। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर अंबाला से धीरज जी जुड़े थे हमारे साथ, जिनका कहना यह है कि पिछले एक साल से 24 घंटे बिजली उन्हें मिल रही है। हालांकि यहाँ पर हम ये खबर भी आपको दे रहे हैं कि अंबाला, पंचकुला, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मनोहर सरकार ने 24 घंटे बिजली दी है। यहाँ पर सिरसा की भी पोल खुलती हुई नजर आई, लेकिन अंबाला से भी ये दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिनका कहना यह है कि पिछले एक साल से 24 घंटे बिजली आ रही है। यमुनानगर से अगले दर्शक महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए महेंद्र जी। मैडम जी बहुत अच्छा बिजली का है, कोई ऐसी बात नहीं, सरकार ने बहुत प्रयास किया और बहुत ठीक चल रही है बिजली जी। ये तो पब्लिक वैसे बोलती रहती है, लेकिन बहुत ठीक है बिजली का जो सिस्टम है बहुत जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर एक बात ये भी बता देते हैं कि ये सारा जिम्मा सरकार का ही नहीं है, बिजली 24 घंटे मुहैया करवाना सरकार का ही जिम्मा नहीं है, कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना होगा। ये जो लाइन लॉस के जितने भी किस्से आते हैं उनसे बचना होगा, बिजली चोरी के जितने भी किस्से आते हैं उनसे भी बचना होगा, ताकि सरकार को हम भी मिलकर के सहयोग कर सके। और यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं फोन लाइन के द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपके वहां पर बिजली का क्या हाल है? क्या आपके शहर में बिजली सुचारू रूप से दी जा रही है? हरियाणा के एक तिहाई गांव में बिजली पहुंचेगी हरियाणा सरकार के इस फैसले से, आप कितने खुश हैं? ये राय आप रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि अंबाला, पंचकुला, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और यमुनानगर से सुरेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी अपनी राय रखिए। बिजली का तो सरकार के ऊपर थोड़ी है, तो हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी जी बिजली चोरी बहुत हो रही है जी, सरकार कहां तक रोकेगी? बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जनता जो है वो जागरूक होती हुई भी नजर आ रही है। ये जिम्मा सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारा भी है। बिजली चोरी से बचना होगा, सरकार का सहयोग हमें करना होगा। और यहाँ पर ये कितनी सच्चाई है कि 24 घंटे अंबाला, पंचकुला, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बिजली दी जा रही है, ये आप जुड़ करके हमें बता सकते हैं इस कार्यक्रम में। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनोहर सरकार ने अगले 3 जिलों का चुनाव किया है जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। यमुनानगर और कुरुक्षेत्र को इन जिलों में रखा गया है, एक जिले का भी आकलन चल रहा है। तो यहां पर बीजेपी सरकार ये भी दावा करती हुई नजर आ रही है कि 14% का घाटा जो है वो कम हुआ है, और इसी की तर्ज पर 3 जिलों का और चुनाव किया जा रहा है जहां पर गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी। और आपको बता दें कि ऐसा ही वादा 2017 में भी मनोहर सरकार की ओर से किया गया था कि घर घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी। तो इसी की सच्ची तस्वीर क्या है ये आप इस कार्यक्रम में पेश कर सकते हैं। क्या आपके शहर में, क्या आपके घर में बिजली 24 घंटे आ रही है? क्या बिजली की जो व्यवस्था है वो सही है? हालांकि दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं उनका कहना ये है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनका रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला है, और यहाँ पर कई बार शिकायत की जाती है लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे में बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं इनकी ओर ध्यान देना होगा और इनके ऊपर नकेल कसनी होगी ताकि जनता में विश्वास बनाया जा सके। अंबाला से अगले दर्शक सतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए सतपाल जी। सतपाल जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं एक प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका। मैंने अपना लोड बढ़वाना है, ये बहुत 30-35 साल पुराना है लोड है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा आपको बता देते हैं कि बिजली से जुड़ा मुद्दा है। हरियाणा सरकार ने 3 जिलों का चुनाव किया है, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र इसमें शामिल हैं। एक जिले का भी और चुनाव होना है जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो आज के बड़े सवाल यही है कि जो बीजेपी दावे करती है, जो वादे आपसे किए जाते हैं वो क्या पूरे होते हैं?
राजस्थान से अगले दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, मेरा कहना है कि 7 अप्रैल को मेरी बहन की उसकी ससुर वालों ने हत्या कर। तो चलिए आज के दर्शकों को एक बार फिर से मुद्दा समझा देते हैं कि मुद्दा क्या है। बिजली आज का बड़ा मुद्दा है। आपके शहर में बिजली का क्या हाल है और क्या सूबे की प्रगति से आप खुश हैं? आपके शहर में बिजली का क्या हाल है? क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहा है? और बीजेपी को कितनी तैयारी 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए कितनी तैयारी करनी होगी? बीजेपी कहां कहां फेल साबित हो रही है और कहां कहां सफल साबित हो रही है? ये राय आप अपनी रख सकते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। और गुरुग्राम से अगले दर्शक सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपनी राय रखिए। जी अपनी राय रखिए। मैडम, ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मैं खुद इस चीज का भ्रष्टाचार से वो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी से खुश हैं, कुछ लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं। और यहाँ पर आज का बड़ा सवाल यही उठता है कि जो बीजेपी दावे करती है क्या वो पूरे करती है या फिर नहीं, क्योंकि अगला दावा जो किया गया है वो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र और एक और जिला जिसका भी आकलन होना है उसके लिए किया गया है कि 24 घंटे वहां पर बिजली पहुंचाई जाएगी। कुरुक्षेत्र से अगले दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार इतने अच्छे काम कर रही है जो कि 17 साल में कांग्रेस ने आज तक कभी सोचे भी नहीं होंगे। जी कुछ कमियां जरूर रह गई हैं, उनको भी सुधारा जा रहा है। जी अगर बीजेपी सरकार पहले आई होती तो आज देश की हालत कुछ और ही होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। करनाल से अगले दर्शक संजय शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, मैं प्रणाम से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी, ये जो सरकार है ना वैसे तो बहुत बढ़िया है, प्रोग्रेस बढ़िया हो रही है, सड़कें बढ़िया बन रही हैं, ऐसा ऐसा काम धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी के लिए जो है ना, इसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है सरकार में। जी तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक से राजकुमार अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। भारत वर्ष में बिकता है हर कानून, नेता चूस रहे हैं जनता का तो खून। पहले खाते थे किसी के भतीजे चाचे, अब बांझे घर भर रहे फूले नहीं समाते। थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक जुड़ रहे हैं कविताओं के द्वारा, अपनी राय रख रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं क्योंकि बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, बिजली के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। और इसी का हाल पूछने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी राय रख सकते हैं। आपके शहर में बिजली का क्या हाल है ये आप बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। और हरियाणा के एक तिहाई गांव में बिजली पहुंचेगी, ये बीजेपी की ओर से फैसला लिया गया है। और इससे पहले भी ये दावा किया जाता है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा में 24 घंटे बिजली पहुँचाई जाती है। इसकी क्या सच्चाई है ये भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ करके रख सकते हैं अपनी राय। भिवानी से अगले दर्शक श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी अपनी राय रखिए। हाँ, भिवानी का जो आउटर एरिया है, शांति नगर, दादरी गेट का इलाका, तकरीबन यहाँ बहुत ज्यादा कट लगते हैं। पानी आता है तब बिजली गुल हो जाती है, बिजली आती है तो पानी गुल हो जाता है। जी जी, इतनी व्यवस्था खराब है इसका कुछ हिसाब नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ भिवानी से अगले दर्शक मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत जी अपनी राय रखिए। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि सभी गांवों में परमानेंट बिजली दी जाए, चाहे छोटे हो या बड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जनता को उम्मीदें हैं बीजेपी से और ये कहती हुई नजर आ रही है कि हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाए। हालांकि ये दावा भी किया गया है, 3 जिलों को चुना गया है, लेकिन क्या आने वाले समय में वाकई में ही यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी? क्योंकि जो ये तस्वीरें हैं सिरसा की, गुरुग्राम की, यहाँ पर भी दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। और सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में क्या तस्वीरें हैं ये भी लगातार दर्शक बता रहे हैं। और जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रिया। फिलहाल नमस्कार।